हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। फ्रंट डोर ओपन होते ही सबसे पहले ड्राइंग रूम पड़ता है, और मैं बता दूँ कि हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी है उसी को हमने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। बहुत हैवी सामान नहीं रखते हैं। और ये देखिए, ये टीवी है, और यहाँ पे ये मेरे सारे क्राफ्ट्स हैं जो मैंने बना के अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। और माय सन, और ये देखिए, ये भी मैंने क्राफ्ट बनाया हुआ है, डॉल है न्यूज़पेपर की। ये तोरण है, बंदरवाल है जो थर्माकोल का बना हुआ है। तो चूँकि रेंट पे है तो उन्होंने कुछ सोकेस नहीं बना रखा है, तो इसलिए मैं जो भी डेकोरेशन है मैंने वॉल पे की हुई है, और वो भी जहाँ जहाँ पे ऑप्शंस थे टांगने के लिए। और ये बेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाउस इज़ बालकनी। बहुत ही अच्छी बालकनी है, और बहुत ही अच्छा नीचे गार्डन है, और बारिश के सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। और ये बेडरूम है, और बहुत ज़्यादा हैवी बेड नहीं रखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। और ये ईशान के कुछ स्कूल के क्राफ्ट्स हैं, वो लगा रखे हैं उसने। ये ड्रेसिंग टेबल है, और उस पर मेरा हैंड पर्स ऑर्गेनाइज़र भी रखा है। और ये बच्चे की बुक्स हैं जो हमने मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये हमारी फोटोग्राफ्स है। और ये फ्लावर वास है जो कि मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। और ये न्यूज़पेपर वॉल हैंगिंग है, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे है, मैंने बना रखा है। और इस बेडरूम से भी एक बालकनी अटैच है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लुक है बाहर का। और हमारे घर में तीन बालकनी है। इस बेडरूम से अटैच एक छोटा सा रूम है, और उसके बगल में टॉयलेट है। ये ऊपर एक कबर्ट है, काफ़ी अंदर से गहरा है, और इसमें हम लोग ने काफ़ी सामान रख रखा है। ये पर्दे के पीछे एक कबर्ट है, जहाँ पे ओपन कबर्ट है, जहाँ पे हम क्लॉथ्स और बाहर जाने वाले बैग्स, सूटकेस रखते हैं। ये पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। ये पेंटिंग मैंने शादी के टाइम बनाई थी और लेके आई थी, बट अब थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसको फिर से ठीक ठाक करना है, इसलिए हमने इसको साइड में रख रखा है। ये टॉयलेट है, इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट है। तो इस फ्लैट में दो टॉयलेट है, एक दूसरे बेडरूम से अटैच है। ये दूसरा बेडरूम है, ये 2 BHK फ्लैट है। तो इसमें मदर इन लॉ का रूम है, और इसमें भी हम लोग ने एक सेटअप बना रखा है बैठने के लिए। साइड में एक बेड लगा हुआ है, और ये जो चादर है ये भी मैंने पेंट की थी, और ये भी मैं शादी के टाइम पे लाई थी। तो इसमें और पेंटिंग करनी थी बट टाइम ही नहीं मिला। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, और इसको भी मैंने डेकोरेट किया हुआ है अपने हिसाब से। और इस बेडरूम से भी अटैच एक बालकनी है, ये हमारी तीसरी बालकनी है। और सामने ये दो डक हैं जिनको देखना मुझे बहुत ही पसंद है। दूसरे रूम से अटैच बाथरूम है, यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर लगा रखा है, और साइड में काफ़ी सामान भी है।
और ये मेरा छोटा सा किचन है। और ये देखिए टोकरी भी मैंने बनाई हुई है, ये न्यूज़पेपर की बनी हुई है। और ये नैपकिन होल्डर है, ये भी न्यूज़पेपर का बना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने चैनल का ऐड भी कर रही हूँ साथ में। और ये चूँकि हम लोग रेंट पे हैं तो बहुत ज़्यादा कीले उले नहीं ठोक पाती हूँ मैं, तो ये बड़ी कलछुलों के लिए मैंने अलग स्पेस बना रखा है और चमचों के लिए अलग बना रखा है। ये न्यूज़पेपर का डिश स्टैंड है, ये भी मैंने ही बनाया है, इसका भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। ये जाली लगा रखी है इसलिए कि बाहर से बारिश के सीज़न में या नॉर्मली मच्छर और इंसेक्ट्स अंदर ना आए और छिपकली भी ना आए। और ये आरओ है, आरओ का पानी मैं एक जगह कलेक्ट करती हूँ, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है आरओ से उसको मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ या बाकी क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और ये फ्रिज है, और ये फ्रिज टॉप मैंने इस तरह से सजा के रखा है। नीचे ओपन, चूँकि ये देसी स्टाइल किचन है तो नीचे ओपन कवर टाइप है, तो वहाँ पे मैं बर्तनों को रखती हूँ। ये बर्तन फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं, जैसे बाउल्स हैं, ग्लास है, ज़्यादा यूज़ करना है तो इसको मैं ओपन एरिया में रखती हूँ। नीचे आटा और चावल रखने का जगह है, और इस तरह से वेसल्स स्टैंड रखा है मैंने। तो ये ओवरऑल सेटअप है जो दिख रहा है आपको। और ये बेस्ट पार्ट ऑफ माय किचन, बहुत अच्छा कवर्ड है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी वॉल तक बना हुआ है, और इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। बट जो मेरे लेवल पे आता है ये वाला, इसमें मैं सारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइटम रखती हूँ, जैसे कि जो कि रोज़ यूज़ करने, जैसे मसाले हैं, जीरा है, नमकीन है, नमक है, चाय पत्ती, चीनी है, ये सारी बीच वाले कवर्ड में रखती हूँ। नीचे थोड़े से ग्लासेस हैं जो मैं कम यूज़ करती हूँ, एकदम नीचे आप एसेसरीज रखी हुई है मैंने। इसके ऊपर वाले कवर्ड में काफ़ी बड़ा पूरा ओपन कवर्ड है, देखिएगा इसमें भी यूज़ के सामान रखा है, ये भी मेरे हाथ तक आ जाता है। जो थोड़े से रेयर यूज़ होने वाले हैं मैंने उसके ऊपर वाले कवर्ड में रखे हुए हैं, और ऊपर अचार की शीशियाँ भी रखी हुई हैं। और इस और ये देखिए, और सबसे ऊपर कवर्ड में जो बहुत ही रेयर यूज़ होना है वो रखा हुआ है। तो ये मेरा किचन था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये था मेरा होम टूर। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल।